के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई है। थोड़ी ही देर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कैबिनेट बैठक से पहले हो सकता है। तो 5 बजे नई सरकार की पहली बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और इस कैबिनेट की बैठक से पहले ही मंत्रियों के पोर्टफोलियो का ऐलान किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसका पोर्टफोलियो कितना महत्वपूर्ण रहेगा, इस पर चर्चा बस थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। और ऐसे में सभी की निगाहें हैं शपथ ग्रहण करने वालों में। 5वां नंबर शिवराज सिंह चौहान का रहा, तो उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश की सत्ता में आने से देश के विकास की रफ्तार डबल होगी। सीएम ने मंत्रिमंडल में शामिल राज्य के मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि केंद्र ने एमपी को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया है, सरकार मजबूती से तेजी के साथ चलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मेरे साथ। सर, नया मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, मध्य प्रदेश के 5 मंत्री, कितनी 6 मंत्री कितनी बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को भरपूर प्रतिनिधित्व मानने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने दिया है और ये हम सबका सौभाग्य है कि वो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी की अपनी कार्य क्षमता के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। तो विकास की रफ्तार अब डबल हो जाएगी, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बहुत धड़ल्लाती चलेगी, बहुत आनंद के साथ चलेगी। तो मोहन यादव साहब कह रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल के गठन से राज्य का विकास तेजी से होगा, डबल इंजन की सरकार है। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मौजूदा कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली स्थित भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। कल पीएम मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ शिवराज सिंह चौहान ने भी शपथ ली। मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र की एनडीए सरकार पर कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। कांग्रेस ने इंदौर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है कि बीजेपी का 400 पार का नारा फेल हो गया। पोस्टर में लिखा है कि इस बार बीजेपी ने टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी, आरएलडी, अपना दल सहित कई पार्टियों की बैसाखी पर सरकार बनाई है। पार्टी ने इंदौर की टैक्सियां, चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर तंज कसा है। कांग्रेस ने लिखा है कि जैसे ही बैसाखी हटी बीजेपी सरकार गिर जाएगी। इंदौर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, इस बार बैसाखी की सरकार, इन पोस्टर्स पर लिखा हुआ है। कहा है कि जो दलों का समर्थन बीजेपी की सरकार ने लिया है इस बार, वो समर्थन हटते ही सरकार गिर जाएगी। तो ये कहते हुए कांग्रेस ने तंज कसा है केंद्र की सरकार पर। अब की बार बैसाखी सरकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। कहा कि सागर की घटना में प्रशासन आरोपियों के साथ दिखा। प्रदेश में एससी एसटी के साथ अपराध बढ़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरेगी। विधानसभा में प्रदेश में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया जाएगा। हमारी कमेटी जाएगी, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया है, आने वाले समय में वहाँ प्रदर्शन होगा और जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होगी वहाँ कांग्रेस पार्टी एसटी के हमारे परिवार के लोगों के साथ मुस्तैदी से खड़ी रहेगी, न्याय दिलाने को लेकर भी और ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी। जहाँ तक प्रश्न है विधानसभा का, उसमें भी हमारे विधायक पूरे एसटी एससी पर जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं इसके खिलाफ मुखर रहे। अगली खबर भोपाल से है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। संविदा नीति लागू करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश सरकार को 30 जून तक अल्टीमेटम दिया है, संविदा नीति लागू नहीं हुई तो जुलाई में उग्र प्रदर्शन होगा। घोषणा के 11 महीने हो चुके हैं लेकिन नीति लागू नहीं हुई, इसकी वजह से कर्मचारी नाराज है।
जी, एक साल लगभग होने वाले हैं, 11 महीने व्यतीत हो चुके हैं और संविदा नीति मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में लागू नहीं की गई है, इसीलिए आज हम ये टोकन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि 30 जून तक लागू नहीं होती है तो फिर हम जुलाई में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। संविदा नीति जल्द से जल्द जारी की जाए, जो हम संविदा कर्मचारियों को प्रति महीने 2500 से 5000, 10000 तक का नुकसान हो रहा है, वह उसकी भरपाई कौन करेगा। जल्द से जल्द संविदा नीति जारी की जाए, अगर जारी नहीं होती है तो हम जुलाई के प्रथम सप्ताह में 6000 संविदा कर्मचारियों के साथ भोपाल में धरना डालेंगे और डेरा डालेंगे और मंत्री जी के बंगले पर जाएंगे। जबलपुर में नीट में गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। एनटीए के खिलाफ एबीवीपी का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। जबलपुर में एनटीए ने एग्जाम करवाया था, ओएमआर सीट के जरिए पेपर शीट के जरिए पेपर लीक हुए थे। एनटीए पर एग्जाम में धांधली का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ सीबीआई जांच की मांग की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ओएमआर शीट के जरिए पेपर लीक हुए थे, एनटीए पर एग्जाम में धांधली का आरोप लगाया है। एबीवीपी ने सीबीआई जांच की मांग की है कि सीबीआई इसकी जांच करे। एबीवीपी ने सीबीआई जांच की मांग की है, कहा है कि सीबीआई ही जांच में साफ हो पाएगा कि किस तरह से यहां पर धांधली की गई है। जिस तरह से मौसम पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, जिस जब नीट का रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार सवालों के घेरे में एनटीए भी है और अब यहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन। जी बिल्कुल, एनटीए के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और देश भर में जिस तरह से नाराजगी जाहिर की जा रही है एनटीए के खिलाफ नीट एग्जाम को लेकर, उससे स्पष्ट है कि युवाओं में भारी आक्रोश है और वो कहीं ना कहीं इस गड़बड़ी को लेकर के अपने भविष्य के को लेकर भी चिंता में है, क्योंकि इस तरह की गड़बड़ी है। सिर्फ इसी में नहीं, नर्सिंग में भी पहले घोटाले सामने आए, इसके अलावा व्यापम घोटाला अभी भी लोगों की जुबान पर है, दिमाग में है कि किस तरह से गड़बड़ी हुई थी। तो देश के युवाओं को इसी बात की चिंता सता रही है कि लगातार जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, ऐसे में वो भविष्य उनका किधर जाएगा, कहाँ उनका भविष्य सुरक्षित है। इसी बात को लेकर के युवाओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया है और मांग की है कि इस घटना, इस पूरे नीट में जो घोटाला हुआ है एनटीए के खिलाफ सीबीआई से जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां फिजिकल क्षेत्र में पानी पर बवाल मचा हुआ है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी से, जहां पानी न मिलने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए। फिजिकल संपवेल के सामने जाम लगाया कई दिनों से, पानी यहां पर नहीं आ रहा है, पानी के संकट से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में उनके सब्र का बांध टूट गया तो सड़क पर ये लोग उतर आए। उज्जैन में कमिश्नर संजय गुप्ता का एक वीडियो और तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो में वो चप्पल पहनकर भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, साथ में खड़े जनप्रतिनिधि बिना चप्पल जूते के हैं, लेकिन कमिश्नर संजय गुप्ता ने अपनी चप्पल नहीं उतारी। अब जनप्रतिनिधियों ने कमिश्नर से माफी मांगने की मांग की है। तो चप्पल पहने हुए आप संजय गुप्ता को इन तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने पैरों से चप्पल नहीं उतारी। बाकी तमाम लोग यहाँ बिना चप्पल के दिखाई दे रहे हैं। तो अब यही तस्वीरें सामने आई हैं, तो उसके बाद से विवादों में आ गए हैं कमिश्नर और लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि वो माफी मांगे। आया जमायो भवा आया जनमा।
सभी लोग नंगे पांव जलाभिषेक कर रहे थे, लेकिन संभाग के वरिष्ठ अधिकारी चप्पल में जलाभिषेक कर रहे थे। ये कहने के हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान है, और इतने बड़े पद पर रहने के बाद अगर इस प्रकार से संस्कृति का और धर्म का अपमान होता है, यह असहनीय है। उज्जैन धार्मिक नगरी है और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि माननीय संभागायुक्त महोदय को इस संबंध में कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहिए। खंडवा में गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले चार लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय ट्रांसपोर्ट कंपनी की मालिक नरगिस बी पति आजम चौहान, प्रतिनिधि इरफान शेख और गोदाम संचालक पंकज जायसवाल पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आजम और उसके परिवार के राशन की कालाबाजारी के मामले पहले भी सामने आए हैं। बता दें कि खंडवा से खरगोन के लिए निकले अनाज में से 340 क्विंटल गेहूं रास्ते में ही गायब हो गया। देशगांव के गोदाम में रखे गेहूं के बोरों के टैग और सिलाई के धागों से कालाबाजारी की पोल खुल गई। वहीं गोदाम से 8 क्विंटल शासकीय गेहूं जब्त किया गया, जबकि 332 क्विंटल गेहूं की तलाश की जा रही है। हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि जो पीडीएस का राशन अन्य जिलों में परिवहन, क्योंकि हमारे जिले में रैक लगती है, यहाँ से होता है, तो कुछ बीच में किसी दुकानों पे व्यापारियों के यहाँ उतारा जाता है, तो हमने मौके पे जाके कार्रवाई करी तो ये सूचना सही पाई गई। और जो पंकज जायसवाल व्यापारी हैं उनके यहाँ पे हमको ये पीडीएस का राशन भी मिला, जिसमें हमने कार्रवाई करते हुए राशन के बैग्स जो है वो जब्त किए और उसके बाद एफआईआर भी की है, और संबंधित परिवहनकर्ता भी जो है उन पे भी एफआईआर इसमें हुई है। एमपी में पिछले कुछ महीनों से हनी ट्रैप के कई मामले सामने आए हैं। एक बार फिर ग्वालियर से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 33 साल का एक कारोबारी हनी ट्रैप का शिकार हो गया। पुलिस के मुताबिक एक लड़की ने कारोबारी सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की और फिर घर बुलाया, संबंध बनाने के ऑफर दिए और फिर कारोबारी का न्यूड वीडियो बना लिया। आरोप ये भी है कि धमकी देकर सोने की चेन, अंगूठी और लाखों रुपए वसूल लिए। लगातार कारोबारी को ब्लैकमेल करती रही, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी, तो पुलिस ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लेकर उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। जो है विश्वास में लेकर उसको मिलने के लिए बुलाया समाधिया कॉलोनी, और व्यापारी जो है विश्वास करके चला गया उसके साथ। फोटो एकदम जब वो मतलब उस स्थिति में आया व्यापारी, तो उसके आगे एकदम उन लोगों ने फोटो खींच लिए और वीडियो बना लिए और उसको डराया धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ जो है दुष्कर्म का अपराध पंजीकृत करवाएंगे। क्योंकि वो आपत्तिजनक स्थिति में था तो वो घबरा गया। अगली खबर इंदौर से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने दबोचा। बाईपास पर गांजे की डिलीवरी देने आए थे तस्कर, धार से गांजे की डिलीवरी देने आए थे तस्कर। ये कार्रवाई हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। अगली खबर इंदौर से है, जहां नाबालिग लड़की की शादी रोकी गई है। 15 साल की लड़की की यहां पर शादी करवाई जा रही थी, 27 साल के लड़के से उसकी शादी करवाई जा रही थी। परिवार वाले जबरन लड़की की शादी करवा रहे थे, बिना मुहूर्त शादी कराने की वजह से परिवार वाले पकड़े गए। पुलिस और महिला बाल विभाग यहां पहुंचा और इस शादी को रुकवाया गया।